Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Life Information Center YouTube channel, जहां मैं बात करता हूं यूएई ट्रैवल एंड यूएई की छोटी बड़ी खबरों के बारे में। तो आज हम दोस्तों यूएई की छोटी बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूएई में अक्सर बहुत सारे कंपनी के साथ, बहुत सारे कंपनी जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ, यानी बहुत सारे कंपनी बंदे के साथ ऐसा करती है, उनको टाइम पे सैलरी नहीं देती है। बहुत सारे कंपनी 10 दिन लेट, 15 दिन लेट, और बहुत सारे कंपनी एक महीने की सैलरी, अगले महीने की सैलरी, तीसरे महीने में, दो महीना नहीं देती है सैलरी, तीसरे महीने में देती है, पाँच महीना रोक के रखती है सैलरी। तो इस तरह से जिनके साथ भी होता है यूएई में और जो भी कंपनी करती है, उनके लिए यूएई गवर्नमेंट एक नया लॉ, नया रूल लेकर के आ गया है कि सैलरी सभी लोगों को टाइम पे मिलना चाहिए। जो कंपनी अगर सैलरी टाइम पे नहीं देती है तो फिर वो कंपनी के साथ यूएई गवर्नमेंट एक्शन लेकर के उनको सजा दे सकती है। दोस्तों यूएई गवर्नमेंट की तरफ से जो सैलरी देने का नया सिस्टम जारी किया गया है वो BPS यानी वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली सभी लोगों के बैंक में सैलरी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपके कंपनी आपकी सैलरी 15 तारीख तक नहीं देती है तो फिर वो कंपनी के साथ यूएई गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है और आप भी उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। यानी अगर जनवरी का सैलरी है तो फरवरी के 15 तारीख तक मिल जाना चाहिए, फरवरी का सैलरी मार्च के 15 तारीख तक मिल जाना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं होता है तो आप कंप्लेन कीजिए मोहरे ऐप पर और यूएई लेबर कोर्ट में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, फिर आपको ऑन द टाइम सैलरी मिल जाएगा।